Hi guys, I'm Kusum and welcome back to my channel Kusum's Corner. तो जो इस चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है कुसुम्स कॉर्नर. एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन जस्ट लाइक दैट. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने सरोजनी नगर से परचेज़ किया था और जो मैंने अपने होम टाउन से परचेज़ किया था वो. तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने सरोजनी नगर मार्केट से जो फुटवेयर परचेज़ किए थे वो. तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता चल ही गया हो कि मुझे जूती या फिर बैलीज का कितना शौक़ है क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है. तो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है फ्लैट्स. इससे पहले जब भी मैं मार्केट में गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट में मुझे ये शॉप कभी भी नज़र नहीं आई है. तो आई थिंक ये अभी खुली है और इस पर इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वेराइटी की आपको जूतीज़ मिल जाएंगी, बैलीज मिल जाएंगी. तो सबसे पहले हैं ये. मैंने शूट के लिए ही एक दो बार पहने हैं. मैं अभी तक इनको बाहर पहन के नहीं गई हूँ बट जितनी बार भी मैंने पहना है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. ये भी इस पे जूतीज़ मिल जाती हैं. तो अगर आपको ट्रेंडी जूती चाहिए तो आप इस शॉप को ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी जूतीज़ आपको मिल जाएंगी. और आई थिंक ये मुझे मिल गई थी 300 या 250 रुपये में और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताओ. मैंने ज़्यादा तो नहीं पहना लेकिन जितनी बार भी मैंने इसे पहना है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी. इसकी जो सोल है ये काफ़ी ज़्यादा यू नो फ्लफी है, सॉफ्ट है, तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा. आप आराम से इसे मार्केट में पहन के जा सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्लिंगी है. ये ग्रे कलर ऐसा शेड है ना, डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे कलर है. तो ये हर कलर के आउटफिट के साथ जाएगा. अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. तो ये 250 या 300 रुपये में बहुत ही ज़्यादा कमाल की डील पर हमें ये मिल गई है. सेकेंड जो फुटवेयर मैंने सरोजनी नगर मार्केट से लिए थे वो है ये. ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था. इस तरह की फ्लैट्स आपको सरोजनी नगर में काफ़ी सारी मिल जाएंगी अलग अलग डिज़ाइन में. ये देखिए और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी थी मैंने. मैंने बहुत सारी इस तरह की फ्लैट देखी, ट्राई की, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी थी वो ये. मुझे एक ही पेयर चाहिए था जो हर जगह आराम से पहन सकूँ, बिल्कुल भी पैरों में दर्द ना हो जिन्हें पहन के. अगर मैं इसके सोल की बात करूँ तो इसके सोल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगी मुझे. तो ये जो कलर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहना हुआ. और इसमें इस तरह की देख सकते हैं आप, इस तरह का जो है ये आई थिंक ये हनी बी बनी हुई है. और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और ये मैंने परचेज़ की थी ओनली 200 रुपीज़ में. ये 200-200 रुपये में आराम से वहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आप 180 रुपीज़ में भी इसे ले सकते हैं. 200 रुपये में तो अगर हम क्वालिटी और लुक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सही डील लगी मुझे ये. जैसे कि आपको वहाँ पे पता है कि ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है आपको आराम से सरोजनी नगर मार्केट में बहुत सारी यू नो वैरायटी में मिल जाएगी. आपको जैसा भी आप चाहते हैं वैसे आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वहाँ पर मिल जाएगी. तो मैंने भी वहाँ से एक पीस लिया था ये वाला. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और इसलिए भी मैंने लिया था. ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये वाला जो पीस है ये है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे. ना ही ज़्यादा ब्रॉड है ना ही ज़्यादा छोटा सा है. जो बहुत हैवी होते हैं वैसा है तो एकदम परफेक्ट है. आप इसे साड़ी के साथ, कुर्तीज़ के साथ, हैवी अनारकली कुर्तीज़ के साथ या फिर किसी के साथ भी आप आराम से इसे पेयर कर सकते हैं. इस तरह की ज्वेलरी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आजकल. तो इस तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे. तो अगर मैं आपको अभी पहन के दिखाऊँ तो ये देखिए. और ये मुझे मिल गया था आई थिंक 300 रुपये में. तो अगर आप सरोजनी नगर मार्केट में जा रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ बस इतने से इतने के बीच में होगी. लाइक 100 या 200 रुपये की कोई चीज़ है तो उसके कोट करते हैं 500 रुपये. तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना कम करवाना है उसके हिसाब से आप देके चलिएगा. एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको वो प्राइस बोलना है कि हमें बस इतने में ही चाहिए तो ही, अदरवाइज़ वो पहचान जाते हैं कि आपको इनके रेट्स का नहीं पता है. तो आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे यू नो बार्गेनिंग करनी होगी. तो वहाँ पे आपको ज्वेलरी के काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तीसरी चीज़ मैंने ये परचेज की थी ये है एक क्रॉप टॉप, या फिर आप इसे एज ए ब्लाउज भी वेयर कर सकते हैं. ये देखिए ये है एक ब्लिंगी क्रॉप टॉप. ये जो सीक्वेंस है ये ऊपर भी हो जाते हैं, ये नीचे भी हो जाते हैं, इस तरह का है ये. और ये काफ़ी ज़्यादा ब्लिंगी ब्लिंगी आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें ब्लू पिंक लाइक इस तरह का जो है कलर आ रहा है इससे.
ब्लाउज सोचकर ही लेके आई थी कि मैं इसे एज ए ब्लाउज पहनने वाली हूँ। तो आपको ये आगे किसी भी वीडियो में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं इसे किसी भी साड़ी के साथ आगे वेयर करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हैं तो मैं सबसे पहले वहाँ पर ही अपनी कोई भी पिक डालती हूँ जब भी मैं कोई भी नई चीज़ ट्राई करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और ये मुझे मिल गया था सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। अगर आप इस तरह का कोई भी अगर टेलर वगैरह पर सिलवाते तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस तरह के क्रॉप टॉप आपको सरोजनी नगर में बहुत ही ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे और हर कलर में मिल जाएंगे, लाइट पिंक कलर, ग्रीन, जिस भी कलर में आप चाहते हैं आपको आराम से मिल जाएगा। ऑब्वियसली मुझे इतना ज्यादा ब्लिंगी नहीं चाहिए था, थोड़ा सा अगर ये सीक्वेंस थोड़े से सटल होते तो अच्छा लगता ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी मैं काम चला लूंगी। तो एज ए ब्लाउज हम इसे आराम से पहन सकते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस वन, ये है इयररिंग्स। और इस तरह के इयररिंग्स आपको हर जगह मिलेंगे सरोजनी नगर मार्केट में, ये देखिए ये, और ये डाले हुए बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मुझे मिले थे 50 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हैं डाले हुए। और इस तरह के इयररिंग्स आपको आराम से 50-50 रुपये में मिल जाएंगे, एंड मंडे को तो आपको और भी ज़्यादा शायद सस्ते मिल जाएंगे इस तरह के इयररिंग्स। सो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट था ये, तो अब मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली जो मैंने अपने होम टाउन से परचेज़ किया था। ओके तो मैं सोच ही रही थी जब भी मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं वहाँ से जूतीज़ ज़रूर परचेज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ हरियाणा में और वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी जूतीज़ मिल जाएंगी आपको बहुत ही सही रेट में। वो सेम जूते अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करने लगे तो आपको 2 या फिर 2.5 हज़ार की आराम से मिलेंगी, और वही जूतीज़ मैं लेके आई हूँ, लगभग बाद में बताऊँगी। तो फर्स्ट जूती इसका जो पेयर है ये देखिए ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है। और अगर आपने मेरी पहले वाली अगर वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी मैंने जूती वेयर की हुई हैं, आपको दिख जाएंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के। अगर हम बात करें कि सोल की तो ये काफ़ी ज़्यादा यू नो फ्लफी फ्लफी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं। जब भी मैं जूतीज़ पहनती हूँ तो मुझे यहाँ से जो है पेन होने लग जाता है, क्योंकि मेरे जो टो है आगे से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो मुझे यहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम आती है कई बार जूतीज़ पहनने में अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो मुझे ये जूतीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल। मैंने कितनी ज़्यादा देर तक इनको पहना है बट मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लगी। और आप जूतीज़ को किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं, लाइक मैं तो ऑलमोस्ट सबके साथ जूतीज़ पहनती हूँ, चाहे वो साड़ी हो, ड्रेस हो, आपने कुर्ती ड्रेस पहन रखी हो, या फिर आपने जींस टॉप पहन रखा हो, या फिर आपने जींस के साथ कुर्ती पहन रखी हो, कुछ भी पहन रखो, मैं सबके साथ जूतीज़ पहन सकती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है जूतीज़, इसलिए मैं ज़्यादातर जो है फ्लैट्स में जूतीज़ ही परचेज करती हूँ। तो ये थी हमारी फर्स्ट जूती का पेयर जो मैंने परचेज़ की थी अपने होम टाउन से। अगर मैं इनके प्राइस की बात करूँ तो इनका प्राइस है, ये मिल गई थी मुझे 800 रुपीज़ में, और मैंने इनको और भी ज़्यादा कम करवाया था तो ये मुझे मिली थी 750 रुपीज़ में, भैया ने लगा ली थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी थी। इस तरह की जूतीज़ अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपको आराम से 2000 रुपीज़ में मिलेगी, अगर आप सेल में भी परचेज़ करेंगे तो भी कम से कम ये आपको 1500 में मिलेगी। ये मैंने इस शॉप से ली थी, ये है पाकिज़ा जूती स्टोर, ये इस तरह के बैग में आई थी। तो इसमें क्या है, जूती सेफ़ रहती है अगर आप इनको स्टोर भी करके रखते हैं, तो ये एक पार्टी वेयर जूती हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस तरह के जो है ये सीक्वेंस, ये इस तरह के मोती वगैरह लगे होते हैं, तो इस तरह के पाउचेस काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। अब सेकंड जूतीज भी मैंने इसी सेम शॉप से ली थी, और ये जूतीज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी और भी जूतीज देखी थी लेकिन मैंने नहीं परचेज़ की, क्योंकि कितनी ले सकते हैं हम, है ना। अब जो मैं जूतीज दिखाने वाली वो भी पार्टी वेयर है, वो है ये, ओह माय गॉड कितनी ज़्यादा प्रिटी है ये वाली, आप ज़रा सा भी इधर उधर करते देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। ये इसमें लगे हुए नग पिछली वाली जूती से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्क किया हुआ, आप देख सकते हैं स्टोन्स का काम भी है और जरी का वर्क भी किया गया है, तो ये उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, इसकी सोल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा
फ्लफी हैं और पहनने के बाद बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा आपको, आराम से 4 से 5 घंटे तक पहन के घूम सकते हैं। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ तो इनका प्राइस उन भैया ने बोला था 1200, क्योंकि हमने वहाँ से लिए थे 4 पेयर और इसलिए थोड़ा सा उन्होंने कम कर लिया था, उन्होंने मुझे ये फिट दी थी 1000 रुपीज़ में और उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सुंदर जूती है, क्योंकि अगर आप जूती लेने अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं और इस तरह की जूती तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इनका जो प्राइस है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सूट जो मैंने अपने होम टाउन से परचेज़ किया था, जो मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था वो, तो ये है वो सूट और बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, कलर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसमें 2 शेड लिए थे, एक मेरी सिस्टर ने लिया था, एक मैंने, मेरी सिस्टर ने लिया था पिंक शेड और ये था मेरा शेड, ये है लाइट ग्रीन कलर का और इसके साथ ये जो आप देख सकते हैं बॉर्डर, पूरे ही बॉर्डर में ये इस तरह का गोटा पट्टी वाला वर्क दिया गया है और जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये कलर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। मेरी सिस्टर और मेरे में हमेशा होता है कि ये वाला कलर मुझे चाहिए, ये वाला कलर मुझे चाहिए। इसमें 2 शेड थे जिसमें से मुझे ये शेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, दूसरा शेड भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन इस तरह का तो शेड है शायद मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये लिया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आजकल ये लाइट पीच कलर, लाइट ऑरेंज, लाइट ग्रीन। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए, जब ये सिल जाएगा तो मैं आपके साथ इसकी पिक ज़रूर शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीटी लगने वाला है ये, और इस फैब्रिक को बोलते हैं टसर सिल्क और ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में आता है, कुछ हल्की क्वालिटी भी मिलती है इसमें, हैवी क्वालिटी भी मिलती है इसमें आपको, तो आपको ध्यान से देखना होता है कि ये किस क्वालिटी का है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इस टसर सिल्क की। तो इस कुर्ती में फ्रंट में एंड बैक में भी ये जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये देख सकते हैं आप, पर इसके सिर्फ फ्रंट में जो है आपको ये बॉर्डर मिलेगा, बैक में कोई इस तरह का बॉर्डर नहीं दिया गया है, सिर्फ फ्रंट में दिया गया है। इस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा स्लीव्स में हमें, जो हम स्लीव्स के बॉर्डर में लगवा सकते हैं और बैक साइड से ये इस तरह से, जब भी आप इस तरह के सूट जो है स्टिच कराते हो इसमें लाइनिंग ज़रूर लगवाएगा, इससे क्या होता है इसका बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है और काफ़ी टाइम तक ये चलता है। ज़रूरी होती है लाइनिंग, तो वैसे भी ये स्टफ़ ही ऐसा है जो आपको थोड़ा सा गर्मियों के टाइम पर चुभ भी सकता है अगर आप लाइनिंग नहीं लगवाएंगे तो। तो ये इस तरह का प्लेन सलवार का कपड़ा मिल जाएगा आपको इसके साथ, तो इस फैब्रिक को बोलते हैं सैंटून। मैक्सिमम इसी फैब्रिक में आपको इस तरह के सूटों में सलवार मिल जाएगी और इसके दुपट्टा है ये है इसका दुपट्टा, इसका जो दुपट्टे का फैब्रिक है वो है प्योर शिफोन, चारों तरफ बॉर्डर में आपको ये वाला बॉर्डर मिल जाता है, ये देखिए ये वाला बॉर्डर और बीच में लगाए गए हैं इस टाइप के स्टोन्स, बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखिए कितना शाइन कर रहे हैं थोड़ा सा भी तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ये देखिए, और ये डाला हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रीट लगता है। इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, देख सकते हैं आप, क्योंकि मम्मी ने एज ए गिफ्ट दिया था तो इसलिए मुझे इसका प्राइस वगैरह भी कुछ भी याद नहीं है। तो अब मैं वो कुर्ती आपको दिखाने वाली जो जब भी मैं किसी भी वीडियो में मैं वियर करती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कुर्ती आपने कहाँ से परचेज करी, प्लीज़ इसका लिंक दीजिए। जब मैंने इसे देखा तो मैंने इसे तुरंत परचेज़ कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा प्रीटी कुर्ती है, ये देखिए इसके लॉन्ग स्लीव्स हैं और स्लीव्स में इसमें पूरी कुर्ती में इस तरह का जो है गोल्डन कलर का फोल्ड प्रिंट मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कुर्ती है, ये देखिए आप, ये इस तरह का प्रिंट दिया गया है स्लीव्स में और ये फ्रंट में मिरर वर्क है और एम्ब्रॉयडरी भी की गई है रेड कलर से, फॉल मिरर वाला वर्क है इसमें, ये देखिए फ्रंट में, बैक में नहीं है ये वाला वर्क, तो हल्का सा इसमें आपको थोड़ा सा फ्लेयर मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं है पर इतना है कि अच्छा लगता है। तो पूरी कुर्ती में इस तरह का गोल्डन फॉल प्रिंट दिया गया है, ठीक है, बॉर्डर में इस तरह का प्रिंट किया गया है फ्रंट एंड बैक दोनों में और ये इस तरह की कुर्ती है फ्रंट से, ये देखिए, ये ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक सेम प्रिंट है बैक में। मुझे फुल स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस कुर्ती का जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वो इसके साइड्स में इस तरह की लटकन लगाई गई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती हैं, ये देखिए दोनों तरफ लगाई गई हैं, ये देखिए, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी ये।
और इस सूट का अगर प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 650 रुपीज़ में मिल गया था। ये मैंने सेल के टाइम पे परचेज़ किया था। ये मैंने परचेज़ किया था एक मॉल से, ये बेंगलुरु में वाइट फील्ड एक जगह है जहाँ से मैंने परचेज़ किया था। ये थे वो सारे प्रोडक्ट जो मैंने अपने होम टाउन से और सरोजनी मार्केट से परचेज़ किए थे। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लेट मी नो आपको इस पूरी वीडियो में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सो मीट यू नेक्स्ट इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।